नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हरियाणा के करनाल से, करनाल के CIA वन शाखा ने एक सनसनीखेज मर्डर के मामले का खुलासा किया। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये जो लड़की आपको दिखाई दे रही है, आरोपी है, कातिल है, और किस तरीके से इसने एक औरत को ही एक औरत होते हुए मौत के घाट उतारा। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। अपने लव अफेयर के चलते, अपने आशिक के साथ रहने के लिए इस लड़की ने एक महिला को मौत के घाट उतार दिया, ताकि इसके परिवार वालों को लगे कि ये मर चुकी है और ये अपने आशिक के साथ भाग सके, ये अपने आशिक के साथ रह सके। गोरौंडा के हरसिंहपुरा गांव की ये रहने वाली है, एक डॉक्टर की बेटी है, और इनके घर में इलाज करवाने के लिए हरसिंहपुरा की एक महिला आती है अपना इलाज करवाने के लिए, और उस महिला को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। पहले दम घोटा जाता है उसका, पहले चुन्नी से उसकी जान निकाली जाती है, उसकी यानी उसे मार दिया जाता है, और उसके बाद उसे करंट भी लगाया जाता है, मुंह जला दिया जाता है, ताकि पहचान में ना आ सके, ताकि पता लगे कि वो मर चुकी है और घर वालों को लगे कि यही थी वो। लेकिन ऐसे में आप ये समझिए कि कितनी बड़ी ये कातिल रही होगी, किस तरीके से इसने बड़े बहरहमी से एक महिला की हत्या कर दी। सर, एक महिला होकर किसी महिला की हत्या कर दी है, इसी ने क्या मामला है सर, पूरा एक बार बताएं। देखिए, नवंबर 2022 में हरिसिंहपुरा गांव पड़ता है, घरौंडा थाना के अंतर्गत, उसमें एक केस रजिस्टर हुआ था एक लेडी की मिसिंग का। तो उसमें ड्यूरिंग उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन SP साहब ने हमें सौंपी गई थी। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कुछ डाउट्स क्रिएट किया उस लेडी के परिवार वालों ने, क्योंकि सेम डे ही गांव में एक डॉक्टर है जो प्राइवेट तौर पर प्रैक्टिस करते हैं वहां पे, उनकी बेटी की भी करंट लगने से डेथ हुई थी। और उन्होंने डाउट ये क्रिएट किया था कि भी जो उनकी जो कंप्लेनेंट हैं उनकी मदर उनके डॉक्टर के पास दवाई वगैरह लेने गई थी, तो कि उन्होंने ये डाउट क्रिएट किया कि उनकी मदर की जो है इन्होंने डेथ मर्डर किया है, और जानबूझ के हमारी वो अपनी लड़की दिखाकर और अपनी लड़की को कहीं पे भेज दिया है बाहर। तो इसमें हमने इन्वेस्टिगेशन जब शुरू की, तो हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि भी इस लड़की का जो डॉक्टर सुशील की बेटी है उनका कहीं अफेयर था। तो जब हमने जाकर इस बात की इन्वेस्टिगेशन की और जांच की, तो पता चला कि भी ये लड़की जिसको इन्होंने मरी हुई समझकर जला दिया था वो जिंदा है। तो हमने उसको अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान बरामद किया लड़की को, और ये अपना तो उसने लड़की ने जब पूछताछ में बताया कि उसने सिर्फ इस कारण कि भी वो अपने जो लड़का है जिसके साथ अफेयर था और अपना राजी खुशी रह सके, और इस वजह से उस लेडी को अपने घर पर बुलाकर, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंटली आना जाना था इनके घर पे, उनके बच्चे वगैरह इस लड़की के पास ट्यूशन पढ़ते थे, तो इस वजह से उसने उनको बुलाकर और गला घोटकर मार दिया, और अपने कपड़े उनको जो लेडी थी पहनाकर वहाँ से अपना मोबाइल वगैरह घर पे छोड़ के, और ये लड़की यहाँ से चली गई। और इन्होंने वहाँ मुजफ्फरनगर जाकर पूछताछ में UP में रहे उस लड़के के साथ, और वहाँ भी अपने फादर की जगह किसी और को खड़ा करके, तो इसने वहाँ उस लड़के से शादी कर। तो फेसबुक फ्रेंड था सर? हाँ जी, वो फेसबुक सर। इस महिला आरोपी की उम्र महज 21 से 22 साल है, इतनी बड़ी वारदात को अकेले इसने अंजाम दिया। देखिए, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में यही सामने आया है कि भी ये अकेली नहीं, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ऐसी सामने नहीं आई है। क्या इसके परिवार वालों को भी नहीं पता था कि राजवंती की हत्या हुई है? उन्हें यही लग रहा था कि इनकी बेटी की मौत हो गई। देखिए, कुछ जो जब ये बात आई थी कि डॉक्टर हैं जो उनकी बेटी की डेथ हो गई है, तो उन टाइम की कुछ फोटोग्राफ वगैरह वायरल हुई थी जो किसी ने पब्लिक पर्सन ने ही खींची गई थी। कितने साल पहले की बात है सर ये? नवंबर 2022 की। अभी तो उस टाइम उस फोटोग्राफ वायरल हुई, तो उनको डाउट हुआ कि भी ये डॉक्टर की लड़की की फ़ोटोग्राफ्स नहीं हैं, तो उन्होंने ये शंका जाहिर की थी कि भी ये किसी बुज़ुर्ग की फ़ोटोग्राफ्स हैं और हमें
डाउट है कि ये हमारी ही मदर की उनकी फोटोग्राफ्स। किस तरीके से हत्या की गई सर, किन किन गला घोटकर हत्या की गई और बाद में प्रेस के द्वारा उसको करंट भी लगाया गया सर। जो महिला चेहरा भी जला दिया गया। हाँ जी, उस पर तेल छिड़ककर चेहरा भी जला। सीआईए में कब आया था सर केस? देखिए ये दिसंबर के आसपास हमारे पास ट्रांसफर हुआ था। सर जानकारी है कि पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया था? 55 के आसपास की एज थी। हाँ जी, पोस्टमार्टम इसका नहीं हुआ था। इनका सर कहाँ से गिरफ्तार किया? यूपी से, रसूलपुर गांव पड़ता है जी, कांदला पुलिस स्टेशन के अंदर, वहाँ से। पुलिस को सर शक कब हुआ, किस आधार पर? देखिए उनके फैमिली मेंबर जो हैं तो वो बार बार ये डाउट कर रहे थे कि भी ये हमारी उनकी मदर की इन्होंने डेथ की है, सॉरी मर्डर किया है, और उनको फोटोग्राफ्स के आधार पर काफ़ी ज़्यादा डाउट था। जो अंतिम के पिता है सर, जो अंतिम के पिता है डॉक्टर सुशील, उन्हें भी यही लग गया था कि उनकी बेटी की डेथ हो गई है। अभी तक यही इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि जैसे वो चेहरा वगैरह उसका जड़ा हुआ था, उन्होंने भी इसको अपनी बेटी ही समझकर संस्कार। सर इस लड़की ने क्या बताया, क्या इसने अपने लव अफेयर के बारे में अपने परिवार वालों को बताया, उन्होंने आपत्ति जताई थी या फिर क्या कारण? नहीं, थोड़ा इनकी मदर ये बता रहे हैं कि भी ज़्यादा थोड़ा सख्त थे वो, कोई इनको ज़्यादा बाउंडेशन रखते थे घर में। लड़का क्या करता था सर जिसके पास ये गई थी? ये लड़का भी कोई कहीं काम करता है, जॉब करता है प्राइवेट। सर पिछले कुछ सालों में लव अफेयर को लेकर काफ़ी मामले सामने आए हैं जिसमें लोग हत्या कर देते हैं। हाँ जी ये है मैम, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है आपकी बात। सीआईए वन इंचार्ज हैं गुरविंदर सिंह, जिन्होंने एक सनसनीखेज मामले का खुलासा किया। मामला इतना हैरान कर देने वाला था कि कोई भी सुनकर परेशान हो जाए कि क्या कोई अपने प्यार के चलते, क्या कोई अपने आशिक के पास जाने के लिए ऐसा भी कर सकता है। मामला आप सुनिए क्या था। मामला पिछले साल नवंबर का है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगी एक 21 से 22 साल की लड़की जिसका नाम अंतिम है, जो कि घरोंडा के हरसिंहपुरा गाँव की रहने वाली थी। आप समझिए अब पूरा मामला क्या था। अंतिम को साल 2021 में एक फेसबुक फ्रेंड से प्यार हो जाता है, जो कि यूपी का रहने वाला था, और उसके बाद उसकी उससे बातें होती थी, शायद वो उससे शादी भी करना चाहती थी, उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन ऐसे में परिवार वालों की रजामंदी इस बात को लेकर नहीं थी, या फिर अंतिम को पता था कि मेरे परिवार वाले इस लव रिलेशनशिप के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे। तो उसने क्या षड्यंत्र रचा, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। उसने ये रचा कि हरसिंहपुरा गाँव की रहने वाली एक महिला, जिसके बच्चे खुद अंतिम के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आते थे, उसके पिता डॉक्टर थे, शायद पहले हमें लग रहा था कि इलाज के दौरान वो महिला अंतिम के पिता के पास आई होगी। उस महिला का नाम है राजवंती, जिसकी उम्र 55 साल बताई जा रही है, और ऐसे में आप समझिए कि उस महिला को इस षड्यंत्र के, जो षड्यंत्र अंतिम ने रचा था, उस षड्यंत्र के चलते ही अंतिम ने राजवंती को अपने घर बुलाया। घर बुलाने के बाद उसका चुन्नी से मुंह दबाया, उसका दम घुट जाता है, उसे पहले मौत के घाट उतार दिया जाता है, प्रेस से उसे करंट लगाया जाता है, उसका मुंह तक जला दिया जाता है ताकि वो पहचान में ना आ सके, क्योंकि यहां पर अंतिम ये दिखाना चाहती थी अपने परिवार वालों को कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि अंतिम ने राजवंती को अपने जो कपड़े उसने पहने हुए थे उस दिन वो भी पहनाए। और उसके बाद जो डॉक्टर की बेटी थी अंतिम, डॉक्टर के परिवार को ये लगा कि हाँ उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। बिना जो पुलिस का ये भी कहना है कि बिना पोस्टमार्टम के संस्कार भी हो गया, इस वजह से ज्यादा शक भी पुलिस को हुआ। और ऐसे में जो राजवंती के परिवार वाले थे उन्होंने एक मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज करवाई, क्योंकि उसी दिन ही जिस दिन डॉक्टर की बेटी की मौत हुई थी उसी दिन से राजवंती गायब भी थी, और ऐसे में राजवंती के परिवार वाले भी लगातार राजवंती को ढूंढ रहे थे। और अब जाकर आप समझिए कि इस मामले का खुलासा होता है, जब यूपी से अंतिम की गिरफ्तारी होती है तब जाकर पता चलता है कि दरअसल अंतिम की तो मौत हुई ही नहीं, राजवंती की मौत हुई थी, और ऐसे में अंतिम ने बड़े शातिराना तरीके से राजवंती को मौत के घाट उतारा ताकि उसके परिवार वालों को लगे कि वो तो मर चुकी है। और ऐसे में वो इतने समय से, इतने महीनों से यूपी में रह रही थी अपने आशिक के साथ, अपने जिसके साथ उसका रिलेशनशिप चल रहा था, और शायद उसने उसके साथ वहां पर शादी भी कर ली। लेकिन फिलहाल सीआईए वन शाखा को एक बड़ी सफलता हाथ लगती है, और ऐसे में सीआईए वन शाखा के जो गुरविंदर सिंह है, जो इंचार्ज है, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि यूपी से अंतिम की गिरफ्तारी अब हो चुकी है और आगे भी कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जाएगा ताकि और भी तथ्य सामने आ सके। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।